स्वामी जी के चुनाव चिन्ह तीर निशान पे हम सभी लोगों को अपना बेशकीमती बहुमूल्य वोट देना अब हम आग्रह करेंगे माननीय श्री मंत्री महोदय श्री अशोक चौधरी जी से की कृपया हम चाहेंगे कि हमारे माननीय विधायक श्री विजय सिंह जी से की सर आप आवे और आज के कार्यक्रम को संबोधित कर आज पूर्व पार्षिक धरती में और सेमापुर के इस मंडल में उपस्थित हम लोगों के बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री बड़े भाई आदरणीय माननीय अशोक चौधरी जी, मनोज कुशवाहा जी, राजीव चौधरी जी, राजीव भारती जी, एनडीए के सभी साथीगण, भाई और बहनों, लाइन से घूम लगातार अभी चुनावी का समय है, लगातार हम लोग क्षेत्र भ्रमण में है और हम लोग इच्छा थी कि हमारे माननीय मंत्री का एक बार पूर्व पार्षिक कट आवे और यहाँ की जो प्रमुख समस्या है उससे अवगत हो, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन आपके बीच हम लोग अपने जो दुलाल चंद गोस्वामी हैं, जो एमपी हमारे लोकप्रिय एमपी हैं, उसके लिए हम लोग वोट मांगने आए हैं, तो आपसे आग्रह है, विनती है कि आने वाला 26 तारीख का जो चुनाव है और जो आप लोगों ने लगातार हमारे एमपी को 2019 में वोट देकर जिताने का काम किया, 2020 में भी हमको आप लोगों ने जिताया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15-20 सालों में जो काम हुआ है ये काबिले तारीफ है। तो आप देख सकते हैं कि 20 सालों का सेमापुर, 20 सालों का ये बोड़ो पार्क सिक्कट है, क्या स्थिति थी। आज बोड़ो पार्क सिक्कट में एक बड़ा सा रोड मिला हुआ है, सब जगह पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, जो कुछ काम बचे हुए हमारे माननीय मंत्री आए हैं उससे अवगत होंगे, तो आपको लगता है आसानी पूर्ण विश्वास है जो काम बचे हुए वो काम भी हम लोगों को मिलेगा। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में बिहार जो देश में जो काम हुआ है वो आप सब जानते हैं, इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, आने वाला 26 तारीख जो चुनाव है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व हमारे जो प्रत्याशी है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व जो हमारे प्रत्याशी है, दुलाल चंद गोस्वामी जिसका चुनाव जी तीर छाप है, यहाँ सिंबल हम लोग देख रहे हैं सबसे फूल छाप, ये फूल छाप भी हम ही लोग के साथ है, तो हम लोगों का सिंबल है तीर छाप, तो तीर छाप में वोट देना है ताकि हमारे जो प्रत्याशी यदि द्वारा जीत के जाएंगे तो जो जिले के बचे हुए जो काम है, खासकर ये बराड़ी विधानसभा में सेमापुर जो पार्ट है, जो 10-12 पंचायतों का यह सेमापुर है, जो भी बचे हुए काम है हम लोग मिलजुल करके पूरा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने अपना कीमती से हमारे माननीय मंत्री के लिए आए हैं, तो माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि यह गरीब गुरुआ का जगह है, निषाद बाहुल एरिया है, संथाल आदिवासी हमारे हम लोग एसटीएससी समाज में रहने वाले लोग हैं, तो कुछ मांग तो है, लगातार मांग होता रहता है और हम लोग भी सर आप लोग कृपा से काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी एक छोटा एक विधायक है जो बन पड़ा है, हम लोग काम किया है और हम लोग के पास आप आ गए, हमको नहीं सबको आशा पूर्ण विश्वास आपके नेतृत्व में जो भी बचे हुए काम है हमको पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।